रहीम एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री और हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में इससे पहले हम आ, टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट देख चुके हैं किस तरह से फाइंड किया जाता है और इसके अलावा 3.3 का भी देख चुके हैं किस तरह से मैट्रिक्स फाइंड किया डिटर्मिनंट किस तरह से फाइंड किया जाता है ठीक है तो अब हम इस क्वेश्चन में फोर क्रॉस फोर का डिटर्मिनट देखेंगे ठीक है ऑर्डर फोर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेवन में तीन पार्ट्स हैं जिसमें से मैं एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा बाकी दो तो पार्ट्स बिल्कुल सेम उसी तरह से सॉल्व होंगे ठीक है वो आप खुद से ट्राई करेंगे तो पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ उसके एलिमेंट्स हमें गिवन है पहला डिटर्मिनेंट जो पहले पार्ट में गिवन है उसके मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ थ्री फोर टू सेवन टू फाइव ज़ीरो थ्री वन टू माइनस थ्री फाइव फोर वन माइनस टू सिक्स ये हमें डिटर्मिनेंट गिवन है जिसको हमने इवेलुएट करना है ठीक है क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन भी यही किया गया है कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट ठीक है देखें इसके चार रोज हैं चार ही कॉलम्स हैं ये रो वन रो टू रो थ्री रो फोर और इसी तरह से कॉलम्स कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री और कॉलम फोर ठीक है फोर क्रॉस फोर का मैट्रिक्स है ठीक है उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो देखते हैं देखें जिस तरह से थ्री क्रॉस थ्री का हमने डिटर्मिनेट फाइंड किया था बिल्कुल सेम मेथड है ठीक है उसी तरह से हमने सॉल्व करना है इसको एवेलट करना है तो प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल वही सेम जो हम पढ़ चुके हैं थ्री क्रॉस थ्री के लिए भी टू क्रॉस टू के लिए भी बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ हैं ठीक है सॉल्व करने का मेथड भी बिल्कुल सेम है तो हम ऐसा करते हैं कि इवेलुएशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम इसको इस तरह करते हैं कि इस एलिमेंट को भी जीरो बना लेते हैं इस एलिमेंट को भी इस एलिमेंट को भी ज़ीरो बना लेते हैं ठीक है क्योंकि इस एलिमेंट इन एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना आसान है क्यों आसान है क्योंकि इस कॉलम में वन मौजूद है ठीक है जिस रो या जिस कॉलम में वन मौजूद हो बाकी एलिमेंट्स उसके हम ज़ीरो बना सकते हैं मतलब कि अगर यहाँ पर वन होता इस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को मैं वन जिस तरह से ये वन है ठीक है इस एल, ए, के मैं बाकी एलिमेंट्स को ज़ीरो बना सकता हूँ ठीक है आसानी से या फिर इस रो के एलिमेंट्स को भी ज़ीरो बनाया जा सकता है और इस रो के भी बाकी एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाया जा सकता है ठीक है तो हम ऐसा करते हैं कि हम फर्स्ट कॉलम से एवेलट करते हैं और इवेलुएट करने से पहले हम इन एलिमेंट्स को ज़ीरो बना लेते हैं इस एलिमेंट को ठीक है इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को ज़ीरो बना लेते हैं वन तो वन ही रहेगा ठीक है ताकि हमें आसानी हो जाएगी इसको एवेल्यूट करने की ठीक है क्योंकि बाकी जो हम इस तरह करते हैं ना कि पहला हम लिखते हैं लेट्स सपोज फर्स्ट कॉलम से मैं अगर एवेल्यूट कर रहा हूँ ए वन वन इन टू ए वन वन उसका को फैक्टर होगा प्लस ए टू वन इन टू ए टू वन होगा ठीक है प्लस ए थ्री वन इन ए थ्री वन ठीक है इसी तरह से प्लस ए फोर वन इं ए फोर वन ठीक है तो मतलब के अगर ये जीरो हो ए वन वन ज़ीरो हो तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा ठीक है हमें को इसका को फैक्टर निकालने का निकालने की जरूरत नहीं है इसी तरह से ए टू वन वन ए टू वन को भी मैं अगर जीरो कर दूँ ठीक है इस एलिमेंट को ज़ीरो कर दूँ तो इसका रिज़ल्ट भी ज़ीरो होगा क्योंकि ये ज़ीरो है ठीक है हमें इस को फैक्टर को भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है और इसी तरह से इस एलिमेंट को भी अगर मैं जीरो कर दूं ये एलिमेंट ए फोर वन है ठीक है तो ये जो जीरो हो जाए तो इस को फैक्टर को भी निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका रिजल्ट आना ही ज़ीरो है हमें पहले ही पता है ठीक है तो सिर्फ हम इसको निकाल लेंगे ए थ्री वन हमें पता होगा सिर्फ इसका को फैक्टर फाइंड करेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेट आ जाएगा ठीक है तो ये अप्रोच हम यूज़ करते हैं आप किसी भी रो को भी इस तरह से ले सकते हैं मैं फ़र्स्ट कॉलम को इसमें सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है फ़र्स्ट कॉलम के थ्रू इसको एलेट कर रहा हूँ तो हम पहले तो मैं करता हूँ कि थ्री को जो है वो ज़ीरो बनाता हूँ वो थ्री किस तरह से ज़ीरो बन सकता है देखें अगर मैं इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें ऐड कर दूँ तो क्या होगा ये ज़ीरो बन जाएगा ना ठीक है तो मतलब कि अगर मैं इस माइनस थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर रहा करूँ उसका आ, फिर मुझे पूरे पूरे के पूरे रो को मुझे माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड करें तो डिटरमिनेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि मैं इस पूरी रो को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और रो वन में ऐड कर रहा हूँ तो ऑपरेशन क्या आ रहा है कि माइनस थ्री से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किस रो को रो नंबर थ्री को ठीक है और उसको ऐड किस में कर रहा हूँ रो नंबर वन में ताकि ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाए ठीक है मकसद ये है हमारा तो देखें माइनस थ्री प्लस इधर मैं लिख लेता हूँ माइनस थ्री ठीक है इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई uh, किया और प्लस थ्री ये बन गया ठीक है और इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स आया माइनस सिक्स प्लस फोर और इसी तरह से इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया माइनस नाइन प्लस नाइन आया ठीक है और इसमें ऐड कर दिया प्लस टू नाइन प्लस टू और इसी तरह से माइनस थ्री से मल्टीप्लाई किया तो माइनस फिफ्टीन बनेगा माइनस फ़िफ्टीन प्लस एट माइनस फ़िफ्टीन प्लस सेवन बाकी की रोज़ उसी तरह से आ जाएंगी ठीक है टू फाइव ज़ीरो थ्री वन टू माइनस थ्री फाइव फोर वन माइनस टू सिक्स रो नंबर थ्री में चेंज नहीं आएगी ठीक है क्योंकि हमने सिर्फ रो नंबर थ्री को मल्टीप्लाई करके उसको में ऐड कर दिया रो वन में रो थ्री उसी तरह से रहेगी उस पर कोई चेंज नहीं आएगी अच्छा अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं माइनस थ्री प्लस थ्री इज जीरो माइनस सिक्स प्लस फोर इज माइनस टू ठीक है नाइन प्लस टू इज इलेवन माइनस फिफ्टीन प्लस सेवन इज माइनस एट बाकी भी लिख लेता हूँ टू फाइव ज़ीरो थ्री वन टू माइनस थ्री फाइव फोर वन माइनस टू सिक्स ये बन गया डिटर्मिनेंट ठीक है अच्छा अब देखें पहला एलिमेंट तो मैंने ज़ीरो कर लिया ठीक है इस कॉलम का तो दूसरे एलिमेंट को भी जीरो करते हैं उसको उसका क्या प्रोसीजर होगा कि इसको मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई करूं तो इसमें ऐड कर दूं तो ये ज़ीरो बन जाता है तो उसी तरह से मैं पूरी रो को माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा रो थ्री को और रो टू में ऐड कर दूंगा ठीक है मतलब कि माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किसको रो थ्री को और ऐड किस में कर रहा हूँ रो टू में ठीक है तो मैं डायरेक्टली उसके रिज़ल्ट लिख लेता हूँ पहले तो रो वन उसी तरह से आएगी ज़ीरो माइनस टू इलेवन माइनस एट ठीक है आप देखें माइनस टू प्लस टू ज़ीरो माइनस फोर प्लस फाइव वन प्लस सिक्स प्लस ज़ीरो सिक्स माइनस टेन प्लस थ्री माइनस सेवन ठीक है तो ये रहो उसी तरह से आ जाएगी वन टू माइनस थ्री फाइव फोर वन माइनस टू और सिक्स अच्छा अब Uh, इस एलिमेंट को भी ज़ीरो करना है ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको माइनस फोर से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें ठीक है तो इस पूरी रो को मैं माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर रहा माइनस फोर इन आर थ्री और ऐड किस में करना है रो फोर में प्लस कर रहे हैं रो फोर में ठीक है जिसमें प्लस करना होता है ये माइनस करना होता है उसको हम पहले लिखते हैं जिसमें चेंज आ रही होती है जिसमें हमने चेंज लानी होती है ठीक है उस रो को या कॉलम को हम पहले लिखते हैं अच्छा तो ये ऑपरेशन में परफॉर्म कर तो पहले बाकी रोज़ उसी तरह से लिख देते हैं जीरो माइनस टू इलेवन माइनस एट ज़ीरो वन सिक्स माइनस सेवन और ये रो भी इसी तरह से वन टू माइनस थ्री और फाइव और ये जो देखें इसमें माइनस फोर से मैं मल्टीप्लाई कर, कर रहा हूँ और इसमें ऐड कर रहा हूँ माइनस फोर प्लस फोर इज़ ज़ीरो और ये माइनस एट प्लस वन इज़ माइनस सेवन और प्लस ट्वेल्व माइनस टू इज टेन माइनस ट्वेंटी प्लस सिक्स इज़ माइनस फोटीन ठीक है तो ये बन गया डिटर्मिनेंट जिसमें हमने फर्स्ट एल कॉलम की बाकी एंट्री इसको ज़ीरो कर दिया और एक एंट्री वन है ठीक है तो अब हम कहते हैं कि इवेलुएटिंग बाय फर्स्ट कॉलम इवेलुएटिंग या एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम अच्छा अब क्या होगा जीरो इंटू ए वन वन प्लस ज़ीरो इंटू प्लस नहीं यहाँ पर माइनस आएगा ठीक है माइनस ज़ीरो इंटू ए टू वन ठीक है प्लस वन इंटू अब ये वन है ठीक है इसके लिए हमें को फैक्टर लिखना पड़ेगा इसका ठीक है वन इंटू ए थ्री वन माइनस ज़ीरो इंटू ए फोर वन ठीक है तो ये इसका होगा डिटर्मिनेंट अब हम इसको लिख लेते हैं देखें अब इसको ए वन वन की वैल्यू को निकालने के की ज़रूरत ही नहीं है ठीक है क्योंकि इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है तो निकाल भी लें तो उसका रिजल्ट जीरो ही आना है ठीक है तो इसलिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है तो ये बन जाएगा ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन इन टू अब इसका को फैक्टर निकाल लेते हैं ए थ्री वन का ए थ्री वन कौन सा एलिमेंट है ये है ठीक है इसका हम को फैक्टर निकालेंगे तो पहले तो हम लिखते हैं माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन ठीक है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो हम ऐड करें उसको ठीक है तो इन टू साथ में हमने मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट ठीक है डिटर्मिनेंट में कौन सी इंट्रीज आएंगी कौन से एलिमेंट्स आएंगे तो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं जिसमें ये एलिमेंट पड़ा हुआ है ठीक है तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो बच गए हैं उनको हम लिख देते हैं उस डिटर्मिनेट में माइनस टू है एलेवन है माइनस टू है एलेवन है एट है ठीक तो है तो वन है सिक्स है माइनस सेवन है वन सिक्स माइनस सेवन है उसके अलावा माइनस सेवन टेन और माइनस फोटीन माइनस सेवन टेन और माइनस फोटीन ठीक है तो आ, आगे भी माइनस ये भी ज़ीरो हो गया ठीक है तो इनको लिखने की आप ज़रूरत नहीं है तो हम डायरेक्टली इसी को एवेल्यूट करते हैं तो ये बनेगा माइनस वन जो है वन इंटू वन माइनस वन की पावर फोर जो है वो पॉजिटिव ही है ठीक है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव uh, की पावर जो है अगर इवन आ रही हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है वन इंटू वन हो गया और साथ में हमारे पास डिटर्मिनेंट थ्री क्रॉस थ्री का बन गया ठीक है माइनस टू इलेवन एट वन सिक्स माइनस सेवन माइनस सेवन टेन और माइनस अच्छा अब आप देखें तो हमारे पास डिटरमिनेंट जो है वो थ्री क्रॉस थ्री का बन चुका है ठीक है तो अब आप इसको सिंपली जो है किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इवेलुएट कर सकते हैं जिस तरह थ्री क्रॉस थ्री की एक्सपेंशन हम करते आए हैं ठीक है तो अगर इसको भी मज़ीद आपने अगर जो है आसान बनाना है इवेल्यूशन को तो इस एलिमेंट को भी हम ज़ीरो बना सकते हैं इस एलिमेंट को भी ज़ीरो बना सकते हैं क्योंकि इस कॉलम में एक एंट्री जो है वन आ रही है ठीक है उसको हम आ, इसको मैं टू के साथ मल्टीप्लाई करूँ और इसमें ऐड कर दूँ तो ये एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा ठीक है तो हम ऐसा ही करते हैं तो आ, एक स्टेप में मैं इन दोनों को ज़ीरो बना देता हूँ एक हमने काम करना है कि रो वन में प्लस करना है क्या टू को आर टू को टू से मल्टीप्लाई करके रो वन में हमने ऐड करना ठीक है आर रो नंबर टू को टू से मल्टीप्लाई करना है और रो वन में ऐड कर देना है. एक ये yes काम करना है और रो टू को हमने सेवन से मल्टीप्लाई करके रो थ्री में ऐड करना है ठीक है रो थ्री में क्या ऐड करना है सेवन से मल्टीप्लाई करके रो टू को रो थ्री में ऐड करना है तो ये भी एलिमेंट जीरो बन जाएगा ये भी एलिमेंट जीरो बन जाएगा ठीक है तो हम ऐसे ही करते हैं तो टू माइनस टू ए ज़ीरो ट्वेल्व प्लस इलेवन ट्वेल्व प्लस इलेवन एज ट्वेंटी थ्री और माइनस फोरटीन प्लस एट माइनस फोरटीन प्लस माइनस फोर्टीन प्लस एट एज़ माइनस सिक्स आएगा ठीक है तो इसको मैं डायरेक्ट माइनस सिक्स ही लिख देता हूँ माइनस सिक्स अच्छा अब हमने इसको सेवन से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है तो पहले तो मैं रो टू उसी तरह से लिख लूँ वन सिक्स और माइनस सेवन अच्छा ये बन जाएगा सेवन इन टू सेवन माइनस सेवन एज़ ज़ीरो इसको सेवन से मल्टीप्लाई करें फ़ोर्टी टू प्लस टेन एज़ फिफ्टी टू और इसको भी सेवन से मल्टीप्लाई करें माइनस फोर्टी नाइन माइनस फोटीन ये बनेगा माइनस सिक्सटी थ्री तो अब हमारे इवेलुशन जो है मज़ीद आसान हो चुकी है ठीक है तो अब हम दोबारा से फर्स्ट कॉलम से इवेलुएट करते हैं एक्सपेंड करते हैं इसको एक्सपेंडिंग बाय एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन ठीक है तो क्या बनेगा ज़ीरो इंटू ए वन वन माइनस वन इंटू ए टू वन प्लस ज़ीरो इंटू ए थ्री वन ठीक है तो इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है ए वन वन और ए थ्री वन को क्योंकि इसके साथ ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमने सिर्फ़ ए टू वन निकालना है ठीक है तो माइनस वन ये है ठीक है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए टू वन ए टू वन किस तरह से निकलेगा माइनस वन की पावर टू प्लस वन ठीक है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इन टू डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट के अग, में कौन सी वैल्यूज आएंगी अब हम दोबारा से इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर देते हैं बाकी एलिमेंट्स जो बचे हैं उसको हम लिख लेते हैं ट्वेंटी थ्री माइनस सिक्स ट्वेंटी थ्री माइनस सिक्स फिफ्टी टू और माइनस सिक्सटी थ्री ठीक है अब तो जो है टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स बन चुका है माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर थ्री है इंटू अब टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स बन चुका है इसको तो हम जो है ए डी माइनस बी सी से सॉल्व कर सकते हैं मतलब कि इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करूँगा दरमियान में माइनस लगाऊंगा और इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा ठीक है तो ये बन जाएगा ट्वेंटी थ्री को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस सिक्सटी थ्री से तो ये बनता है माइनस वन फोर फोर नाइन ठीक है उसके बाद माइनस uh, का साइन आता है ठीक है तो माइनस इंटू फिफ्टी टू को मैं सिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस सिक्स से तो माइनस वन वन फोर आता है ठीक है माइनस वन वन फोर इंटू माइनस प्लस हो जाएगा वन वन फोर वन वन फोर फोर ठीक है तो ये बन गया हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट अब इसको थोड़ा सिम्पलीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस इनटू माइनस और ये पॉजिटिव आ जाएगा तो हमारे पास रिज़ल्ट जो बन रहा है वो आ रहा है थ्री ज़ीरो फाइव ठीक है टोटल हमारे पास रिज़ल्ट जो बना वो क्या आया थ्री ज़ीरो फाइव ठीक है तो ये हमने फोर क्लस फोर का जो है डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है ठीक है तो अच्छा अब हम जो है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट को क्वेश्चन नंबर एट में हमें कहा गया है शो दैट हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसकी लेफ्ट साइड पे एक डिटर्मिनेंट है और राइट right साइड पे एक अलजबरी की एक्सप्रेशन है ठीक है तो अच्छा सर क्वेश्चन नंबर सेवन के बाकी पार्ट्स आप खुद से ट्राई करें ठीक है हम क्वेश्चन नंबर एट पे आ रहे हैं तो हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर एट में शो दैट एक डिटर्मिनेंट हमें गिवन है फोर क्रस फोर का एक्स वन 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 एक्स वन 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 एक्स वन 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 एक्स ये डिटर्मिनेंट इक्वल है किसके x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन के क्यूब के ये हमने शो करना है ठीक है तो आ, पहले तो हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको शो कर सकते हैं किस तरह से प्रूव कर सकते हैं देखें लेफ़्ट साइड से को लेकर हम चलते हैं ठीक है लेफ्ट साइड जो है वो जो डिटर्मिनेंट है ठीक है तो उसको मैं दोबारा लिखता हूँ एक्स वन 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 एक्स वन 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 एक्स वन 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 एक्स ठीक है ये डिटर्मिनेंट हमें गिवन ठीक है तो अब ये देखें एक्स प्लस थ्री है एक टर्म और एक है एक्स माइनस वन का होल क्यूब ठीक है तो इन दोनों में से कौन सी पहले हमारे पास बन सकती है वो हम देखते हैं देखें अगर एक्स में ये भी ये भी और ये भी ये मतलब ये आ, चारों के चारों एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएं तो क्या बनता है एक्स प्लस थ्री बनता है ठीक है और ये भी आपस में ऐड हो जाए तो ये भी एक्स प्लस थ्री बनता है वन प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इज़ एक्स प्लस थ्री बनता है वन प्लस वन प्लस वन प्लस एक्स इज़ एक्स प्लस थ्री बनता है मतलब कहने का ये है अगर मैं इन चारों कॉलम्स को ऐड कर दूं तो एक्स प्लस थ्री बनता है ठीक है मतलब एक इतनी टर्म तो बन जाती है ना ठीक है बाकी जो है बाद में हम देखते हैं किस तरह से आता है तो आ, कॉलम वन में हम बाकी तीनों कॉलम्स का सम ऐड कर देते हैं ठीक है तो कॉलम वन में हम क्या कर रहे हैं बाकी तीनों कॉलम्स कॉलम टू कॉलम थ्री और कॉलम फोर का सम जो है उसको हम कॉलम वन में जाकर ऐड कर रहे हैं इसका सम थ्री बनता है प्लस एक सोजेगा, एक सोजेगा, एक बन तो थ्री प्लस एक्स हो जाएगा एक्स प्लस थ्री बन जाएगा ठीक है तो एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री और चौथा भी जो है वो भी एक्स प्लस थ्री बनेगा एक्स प्लस थ्री अच्छा अब बाकी जो हैं वो हम कॉलम्स उस इस तरह से लिख लेते हैं वन एक्स वन 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 एक्स वन 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 एक्स ठीक है ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया अब ये देखें ये जो है एक्स प्लस थ्री पूरे कॉलम में कॉमन है ठीक है तो हम इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं तो इसको मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ x प्लस थ्री बाहर कॉमन आ गया और अंदर डिटरमिनेंट में क्या बचा इसकी जगह वन वन आ जाएगा क्योंकि एक्स प्लस थ्री बार कॉमन जा चुका है वन 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 बल्कि यहाँ पर एक्स है वन 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 एक्स वन 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 एक्स ठीक है अच्छा अब ये देखें बाकी सब जो एलिमेंट्स हैं इसके वन हैं ठीक है तो हम ऐसा करते हैं कि इस एलिमेंट को भी ज़ीरो बना लेते हैं इस एलिमेंट को भी और इस एलिमेंट को भी ये कैसे बनेगा ज़ीरो देखें कॉलम वन को अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूं और इसमें भी ऐड कर दूं, इसमें भी ऐड कर दूं, इसमें भी ऐड कर दूं, दू, तो ये एलिमेंट भी ज़ीरो बन जाएगा ये भी और ये भी ठीक है तो ताकि हमारी वैल्यूशन आसान हो जाए ना तो हम इस तरह से भी कर सकते थे लेकिन मैं अभी इनको कॉलम्स वाइज जो है आ, वो करने लगा हूँ ठीक है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है C2 टू प्लस माइनस सी ठीक है कॉलम वन को मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कॉलम वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कॉलम टू में ऐड कर रहा हूँ ठीक है साथ में ही C3 में भी ये काम कर लेते हैं C3 थ्री प्लस माइनस सी ठीक है और C4 फोर में भी ये काम कर लेते हैं ठीक है कॉलम फोर में प्लस माइनस C1 वन तो मतलब कि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें और बाकी कॉलम्स में अलग अलग ऐड कर रहे हैं ठीक है तो कॉलम वन उसी तरह से रहेगा वन 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 अच्छा माइनस वन प्लस वन इज़ ज़ीरो माइनस वन माइनस वन प्लस पहले मैं ये कर रहा हूँ ठीक है कॉलम वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके कॉलम टू में ऐड कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा माइनस वन प्लस एक्स एज एक्स माइनस वन माइनस वन प्लस वन एज ज़ीरो माइनस वन प्लस वन एज ज़ीरो इसी तरह से माइनस वन प्लस अगला जो ये वाला स्टेप मैं कर, कर रहा हूँ ठीक है कॉलम थ्री में ऐड कर रहा हूँ अब माइनस वन प्लस वन एज ज़ीरो ज़ीरो एक्स माइनस वन जीरो इसी तरह से ये जो कॉलम फोर का है अब कॉलम फोर में मैं ऐड करता हूँ ठीक है इसको कॉलम वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करके तो माइनस वन प्लस वन इज ज़ीरो जीरो जीरो एक्स माइनस वन अब ये देखें रो वन जो है उसमें सब एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हो चुके हैं इसके अलावा ठीक है मतलब कि एक एलिमेंट सिर्फ रह गया वन है बाकी एलिमेंट जीरो हैं तो हम इस तरह करते हैं कि इसको जो है ना इसके रो वन के थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ठीक है थीके? इनको ज़ीरो बनाने का मकसद भी यही था जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में कॉलम वन में बाकी एलिमेंट्स को ज़ीरो बना लिया था ठीक है एक वन रह गया था उसके थ्रू हमने एक्सपेंड कर दिया था ठीक है इस बार मैंने रो के एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाया ठीक है और एक एलिमेंट जो इस है इसमें वन रह गया तो मैं रो वन के थ्रू इसको एक्सपेंड करने लगाऊँ इस डिटर्बनेंट को ठीक है एक्सपेंडिंग बाय रो वन ठीक है तो अब देखें आ, रो वन से एक्सपेंड कर रहा हूँ तो मतलब कि क्या आएगा ए वन वन इंटू ए वन वन प्लस ए वन टू इंटू ए वन टू प्लस ए वन थ्री इंटू ए वन थ्री प्लस ए वन फोर इंटू ए वन फोर ठीक है यही आएगा इसका डिटर्मिनेट रो वन से तो देखें ए वन वन तो चलें वन है ठीक है उसके साथ हम ए वन वन मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है प्लस ए वन टू जो है ये है जीरो है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा प्लस ए वन थ्री भी जीरो है तो ये इसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर ज़ीरो हो जाएगा ए वन फोर भी ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा मतलब कि ये को फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत हमें नहीं है ये हमें फ़ायदा हो गया ठीक है एक्सपेंड करने के लिए जो हमने ज़ीरो बनाया उसका हमें फ़ायदा हो गया तो इज़ इक्वल टू जो है डिटर्मिनेट इज़ इक्वल टू क्या है ए वन वन अब ए वन वन जो है फै, को फैक्टर हम इसका निकाल लेते हैं ठीक है थीके? इस एलिमेंट का तो वो किस तरह किसके इक्वल आएगा कि हम इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर देते हैं जिसमें ये पड़ा हुआ एलिमेंट ठीक है तो ये बनेगा माइनस वन की पावर वन प्लस वन इन टू डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेट वो वैल्यूज़ आ जाएंगे ठीक है जो हाईलाइटेड नहीं है एक्स माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो एक्स माइनस वन ज़ीरो 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 एक्स माइनस वन ज़ीरो 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 एक्स माइनस वन ठीक है अब ये देखें ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है ठीक है मतलब कि आ, इसके बाकी एलिमेंट्स जो हैं प्रिंसिपल डाइगनल के अलावा इसके बाकी एलिमेंट्स जीरो हो चुके हैं ठीक है थेके? तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होता है उसके प्रिंसिपल डाइगनल के प्रोडक्ट के इक्वल ठीक है मतलब प्रिंसिपल डाइगनल्स में जो आ, ये प्रिंसिपल डाइगनल है ये प्रिंसिपल डायगनल है ठीक है तो ये एक ट्रायंगल ट्राइंगल मैट्रिक्स है ठीक है तो ये इसका जो है डिटर्मिनेंट uh, इक्वल होगा इसके प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के ठीक है तो ये माइनस वन की पावर जो है टू वो तो वन पॉजिटिव वन हो जाएगा ठीक है तो इसको मैं मिटा देता हूँ पॉजिटिव वन अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा मतलब कि एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई भी एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई भी एक्स माइनस वन और ऊपर अगर हम एक चीज़ मिस कर गए हैं कि इसके पहले एक्स प्लस थ्री आ रहा था ठीक है एक्स प्लस थ्री तो इसके साथ लिखते जाते हैं इंटू एक्स प्लस थ्री ठीक है इसके साथ भी एक्स प्लस थ्री आएगा अच्छा अब यहाँ पर भी मैं x प्लस थ्री लिखूँगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था x प्लस थ्री क्योंकि हम पहले से कॉमन ले चुके हैं ठीक है अच्छा अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जो है सिंपलीफाई कर लेता हूँ x प्लस थ्री तो इसी तरह रहेगा अब x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन का क्या मतलब है कि तीन वह तीन मतलब तीन दफ़ा वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी होल क्यूब हम पावर कर देते हैं तो यही जो है वो राइट साइड है जिसको हमने शो करना था ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे और राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुके हैं तो यही हमने शो करना था तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एट भी ख़त्म होता है ठीक है तो हम शो ये शो कर चुके हैं